लगेगा जीएसटी। जीएसटी की वजह से, जीएसटी के नए अमेंडमेंट की वजह से मचा हाहाकार। पापा ये जीएसटी क्या है? घोर संकट में टट्टी। आज रात 12 बजे के बाद एक बार से ज्यादा बार टट्टी जाने वालों को देना पड़ेगा 12% से 28% तक जीएसटी। सभी राज्यों में इसको लेके घोर निंदा और लोगों ने किया विरोध। अब टट्टी पर भी कर मेरा बेटा तो दिन में 3-4 बार जाता है टट्टी, अब क्या होगा जी? ये टट्टी करने का अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम टट्टी करते थे, टट्टी करते हैं और टट्टी करते रहेंगे। पर ऐसा किया क्यों? ये सब देश के लिए किया। जितनी कम टट्टी करोगे भाई और बहनों, उतना ही देश स्वच्छ रहेगा। जीएसटी लागू होने की वजह से सुलभ शौचालयों में लगी लंबी कतारें। हर कोई 12 बजे से पहले करना चाहता है भरपूर टट्टी। इसके साथ आर्थिक हालातों पर भी पड़ा प्रभाव। जहां पर एक बार जाने के लिए देने पड़ते थे 5 रुपए, वहां पर भरने पड़ रहे हैं 25 रुपए। तू यहां बैठा क्या कर रहा है? चल जाके टट्टी कर ले। अभी नहीं आई पापा। टट्टी रोकने के 5 सरल उपाय। पहला उपाय, अपनी इस उंगली पे थूक लगाकर इसको नाभि में घुसोएं। याद रखिए, थूक अपना ही होना चाहिए। उपाय नंबर 2, अपनी इस उंगली को पूरी की पूरी देसी घी में डुबोएं और फिर इस उंगली को पूरी की पूरी अपने बहन चोद हगने हगने को ना मिला। बहन चोद हगने हगने को ना मिला। मूंगफली के दानों से कर सकते हैं अपनी टट्टी पे कंट्रोल। 4 मूंगफली के दाने भिगोकर रोज खाइए, 4 दिन कीजिए टट्टी पे कंट्रोल। 5 भिगोकर खाइए, 5 दिन कीजिए टट्टी पे कंट्रोल। टट्टी का फायदा क्या है? ये चीजें जीएसटी लगे अच्छा किया है। टट्टी टट्टी अरे उनको भी बोलो बोलो अच्छा भाई। अरे सर पूरा देश लगे। अरे मंसूर की तरह बात किया तो हर साल से इन्होंने क्या किया? टट्टी भाई साहब। अरे क्या भाई साहब, भाई साहब पैसा हो रहा है ये? अरे भाई साहब वो होगा, भाई साहब वो होगा, वो पर तू अरे थप्पड़ मारो मुंह पे। अरे मां, पहले मैं बहुत टट्टियाता था, मैं टट्टी से बहुत परेशान था। मैं हर एक घंटे में एक बार कम से कम टट्टी जाता था। मुझे लगता था कि मेरे जीवन का मनोरथ ही टट्टी बन के रह गया है। फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक NM ग्रीस के बारे में बताया। NM मतलब नो मोशंस ग्रीस। NM ग्रीस ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन टट्टी नहीं जाता। NM ग्रीस की एक बूंद वहाँ पे लगाइए, टट्टी तुरंत वापस चली जाती है। अभी भी मिली सूचना के अनुसार पंजाब के सरदूलगढ़ तहसील में जबरन टट्टी रोकने की वजह से 6 लोगों की मौत होगी और 4 लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। आए पापा, मैं तो दिन में 5-6 बार टट्टी जाता हूँ, अब क्या होगा? हाय मम्मा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, अब क्या होगा जी? अरे सुन क्यों होगे, बोलते क्यों नहीं, अब क्या होगा? जब गांठ फटती है तो शुरू शुरू में तकलीफ होती है, बाद में तो आदत पड़ जाती है। बहन चोद हगने हगने को ना मिला। बहन चोद हगने हगने को ना मिला। हाय फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोस। थैंक यू।